Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में हमने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में एक छोटी सी डेफिनेशन देखी थी क्लिपबोर्ड और क्लिप बोर्ड में हमने ये देखा जो क्लिप बोर्ड है उसमें कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर जैसे ऑप्शन होते हैं तो कट कॉपी पेस्ट तो हमें पता है कि क्या होता है हमने बहुत अच्छे से पहले इसको पढ़ा हुआ है तो जो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन हमारे पास एक आया था एक न्यू वर्ड जो आया था उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट पेंटर में क्या होगा जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है फॉर्मेट तो आप ये मान के चलो कि जो फॉर्मेट पेंटर जो है उसका यूज होता है पैराग्राफ का फॉर्मेट दूसरे पैराग्राफ के फॉर्मेट पे अप्लाई करने के लिए ओके okay? एक पैराग्राफ का फॉर्मेट दूसरे पैराग्राफ के फॉर्मेट पे अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट क्या होता है कि उसका क्या लेआउट होगा वो पैराग्राफ कैसा नज़र आएगा हमने ये देखा था पहले कि हम फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं फॉर्मेटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बन सके अच्छा बन सके तभी हम क्या करते हैं पैराग्राफ का जो टेक्स्ट होता है उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं उसको बॉल्ड इटैलिक अंडरलाइन या जो भी हमें उसमें करना होता है जो भी हमें ऑप्शन अप्लाई करने होते हैं वो हम करते हैं या हम जो पैराग्राफ होते हैं उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं या जो पूरा पेज है उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं है ना तो जो हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते हैं उसी में आता है फॉर्मेट पेंटर कि एक पैराग्राफ का फॉर्मेट दूसरे पे अप्लाई करना तो यहां पे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है <coughs> सपोज करो आपके पास दो पैराग्राफ है ओके okay? सपोज करो कि दो पैराग्राफ है पैराग्राफ वन एंड टू तो दोनों का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग है ओके okay? दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है हमने ये पैराग्राफ पहले बनाया हमने इस पर बहुत मेहनत की इसका फॉर्मेट हमने बहुत अच्छा बनाया ठीक है इसको हमने काफ़ी टाइम दिया और इसका फॉर्मेट बहुत अच्छा बनाया जो भी इसमें हैडिंग थी या कितना मार्जिन छोड़ना है कितना स्पेस छोड़ना है क्या इसका लेआउट रहेगा बहुत अच्छे से हमने इसको रेडी किया ये जब हमने बनाया तो हमारे पास टाइम कम था जैसे तैसे हमने इसको कंप्लीट कर लिया अब दिखने में ये वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत अच्छा लग रहा है इसका फॉर्मेट बहुत अच्छा है लेकिन इसका फॉर्मेट हमें पसंद नहीं आ रहा है ना दो पैराग्राफ है दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है हमें पहले का फॉर्मेट बहुत पसंद आ रहा है दूसरे का फॉर्मेट हमें पसंद नहीं आ रहा दूसरे पे जो हमने फॉर्मेट अप्लाई करा है वो हमें पसंद नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना टाइमिंग नहीं थी हमारे पास कि हम उसको अच्छे से फॉर्मेट कर पाए अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेकंड वाला जो पैराग्राफ है वो भी अच्छा दिखे पहले वाला जैसा दिखे लेकिन क्या करें इतना टाइम तो नहीं है कि पहले वाले पे जो हमने टाइम लगाया वो सेकंड पे भी लगाएं है ना कि उस पे भी हम वही फॉर्मेट लगाएं तो अगर हम मैनुअली करें उसको जैसा पहले वाले को हमने टाइम दे अच्छे से फॉर्मेट करा वो हम दूसरे पर नहीं कर सकते ओके क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा से वही सारी फॉर्मेटिंग दूसरे पैराग्राफ पे, पे भी करें तो पहला ऑप्शन तो ये है कि वही हम टाइम लगाएं वही फॉर्मेटिंग हम दूसरे पे अप्लाई करें दूसरा ये बात है कि जो फॉर्मेट पेंटर है उसकी हेल्प से हम ये काम इजीली कर पाते हैं तो फॉर्मेट पेंटर का यही मोटिव है उसका यही काम है कि एक पैराग्राफ पे जो फॉर्मेटिंग कर रखी है वो दूसरे पे अप्लाई कर देता है ओके, फॉर्मेट पेंटर का काम यही है कि एक पैराग्राफ पे जो फॉर्मेटिंग है उसको दूसरे फॉर्मेट पे अप्लाई कर देता है तो यही मैंने थ्योरी में समझाने के लिए लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि दो फॉर्मेट है एक का फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा है दूसरे का पसंद नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से हम ये काम बहुत इजीली कर पाते हैं और इससे क्या होगा एक टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होगी वो दूसरे पे अप्लाई हो जाएगी दूसरे पे लागू हो जाएगी तो इसके लिए हमें करना क्या होगा इसका स्टेप क्या होगा इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले उस टेक्स्ट को अप्लाई चुनेंगे उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे जिसका फॉर्मेट हमें बहुत पसंद है ठीक है जिसकी फॉर्मेटिंग हम दूसरे पे लगाना चाहते हैं हम उसको क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे क्लिप बोर्ड में जाके फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें पता है फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा क्लिप बोर्ड में लग, मिलेगा तो हम क्या करेंगे क्लिप बोर्ड पर जाके फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिस पर फॉर्मेटिंग लगानी है मतलब सेकंड पैराग्राफ ओके पहले तो क्या करेंगे जो पहला पैराग्राफ है जिसकी फॉर्मेटिंग हमें दूसरे पे लगानी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो हमारे सामने फॉर्मेट पेंटर है उसको चूज करेंगे और उसके बाद जो सेकंड वाला पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा इस वाले पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है वो इस पे लागू हो जाएगी है ना तो हमें सारी वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पे की थी इजिली हम क्या कर सकते हैं वही फॉर्मेटिंग सेकेंड पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं तो ये था फॉर्मेट पेंटर बहुत ही छोटा सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप इसको अच्छे से कर लेना और अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना पसंद नहीं आ रही है तो मत करना ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए